3 points, if I remember, these points were like, you know, this is the first point, right? Derivative of integrals. Then second point वो n by r वाला था, बराबर? हाँ, r by n, n by n, summation, बराबर? And third point हम लोग का था कौन सा? और series summation. Series summation. Yes sir. If I'm not wrong. And जो last point था वो syllabus में नहीं था, that is modified differentiation rule. जो हम लोग शायद आज स्टार्ट कर भी नहीं पाएंगे, आज हम लोग ये 2-3 पॉइंट से निपटा पाएंगे. सो गाइस, ये वाला फॉर्मूला बहुत बार किया है, इसका प्रैक्टिस भी हम लोगों ने पहले कर लिया है, बट स्टिल वी नीड 2-3 क्वेश्चंस टू डू इमीडिएटली इन द क्लास, सो दैट आई मीन व्हेन आई गिव द होमवर्क यू गाइस आर कंफर्टेबल. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाँ गाइस, आई विल टेक 2-3 questions on this and then we'll move ahead. I'll take very easy question first, which we have already done in previous time. That is integration, not integration. Some function is given to you. G of x is given to you. And that g of x is 2 to x square dt upon 1 plus root t. Okay. It's been given that x is greater than 0. Is asking g dash 9 is the question, right? Guys, it's a time pass question. You can understand what will be g dash x here. If I write, I'll have to write the upper limit instead of t. So this will become under root. यहाँ नहीं लिखते हैं t. देखो, ध्यान दे दो इधर. T will be replaced by x square. Under root x square will be mod x, right? So this will become 1 upon 1 plus. Guys, should I write mod x? X greater than 0 दिया हुआ है. नहीं जा रहा. Direct x लिख देते हैं. Then उसके बाद में derivative of upper limit. That is 2x. Okay. Minus 0. Don't you think 0? Why it is 0? Can anyone tell me? Differentiation 0. A derivative 0 aa jayega. Just tum log jab bolte ho to tum log ka awaaz udhar reflect hota hai kya wapas, because bluetooth kam kar nahi raha hai. Nahi sir, barabar hai sab. Acha, theek hai, thank you. हाँ गाइस, तो इसमें g dash x निकल गया तो g dash 9 निकल जाएगा ना. इट्स अ टाइम पास क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली. g dash 9 इज नथिंग बट 18 प्लस 18 बाय 10 मींस हो गया 9 बाय 5. इस तरह के क्वेश्चंस जेई मेंस में जरूर वो पूछ सकता है, बट एडवांस में तो गारंटीड नहीं पूछना चाहिए. पूछेगा तो सब लोग कर देंगे. नहीं कर सकते, गारंटी नहीं कर सकते. बिगाड़ के आते हैं कुछ लोग, इजी क्वेश्चंस को भी बिगाड़ के आते हैं कुछ लोग, पता लगता है, राइट? लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन जान दो, जीरो टू, सब लोग ध्यान देना क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है ये. जीरो टू साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस जीरो टू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स root t dt, right? वो बोल रहा है prove that this is equal to pi by 4. Guys, तुम्हें पता है ये जो function है, मतलब अगर मैं इसको f x लिखूँ, सोचो जरा, तो बताओ x कहाँ लिखूँगा? इस x को यहाँ लिखूँगा अगर मैं f of 1, 2, 3, 4. It's given that x belongs to 0 to π/2. It's given, guys. Okay. So कोई भी x जो वहां से उस जगह से उठा के मैं यहाँ रखूंगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे रखूंगा, तो definitely हर बार ये integrate हो गया. Upper limit minus lower limit तो 0 है, change नहीं होगा, but upper limit की वजह से answer change हो जाएगा ना. मानते हो क्या कह रहा हूँ? हाँ, yes sir. Lower limit. इसका मतलब ये हुआ, उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया हम लोग से कि भाई 0 to π/2 में तुम कुछ भी लिखो यहाँ पे, राइट? और फिर इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, आंसर हमेशा π/4 आएगा. गाइस, डोंट यू थिंक इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि एफ एक्स कॉन्स्टेंट होगा, राइट? एफ एक्स कॉन्स्टेंट होगा. ओह, तो एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए.
एफ एक्स कॉन्स्टेंट हो गया ना भाई, इसका मतलब ये हुआ ना एक्स को कुछ भी डालो तो आंसर पाई बाई फोर ही आएगा, और वो कॉन्स्टेंट का वैल्यू भी कितना है गाइस पता है ना तुम लोग को? उतना ही क्वेश्चन बनता है ये एक्चुअली। इसका मतलब गाइस सबसे पहले हम लोग को ये प्रूव करना पड़ेगा ना, अगर ये प्रूव करना है मुझे तो सबसे पहले यही प्रूव करना पड़ेगा ना कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, कॉन्स्टेंट है तो एफ डैश एक्स जीरो होना चाहिए ना गाइस। व्हाट डू यू से? यस सर। And guys, x 0 और pi by 2 के बीच में होगा तो sin inverse और sin x x ही होता है ना। टिप्स ये चीजें तुम लोगों को, अरे बाबा x 0 से pi by 2 में है तो sin inverse और sin x x ही बनेगा ना, हमेशा x नहीं बनता है, डोंट फॉरगेट दिस, इट्स नॉट ऑलवेज x। आर यू क्लियर विद दिस गाइस? यस सर। यस सर। अभी पूरा नहीं हुआ ना डिफरेंशिएशन, t is replaced by upper limit and then differentiating sin square x, what is the derivative sin of sin x guys? sin 2x, direct लिख दूँ क्या sin 2x, 2 sin x cos x, right? ये, now I am replacing t by 0 and derivative 0 is 0, that's over, मतलब इसका derivative is over, now derivative of this, guys can you tell me what is the derivative of this, cos inverse of cos x into minus sin 2x minus 0, बच्चों ये 0 हो गया क्या बताओ, ये तो x बनेगा, ये भी x ही बनेगा, और ये जीरो हो गया ना देखो। हाँ सर। गाइस व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? दिस इज इंप्लाइंग दैट sin x इज इक्वल टू f डैश x इज इक्वल टू f डैश x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज fx कांस्टेंट। लेकिन बच्चों fx कांस्टेंट जो है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी वो भी तो पता करना है। यस सर। अच्छा इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे पता करोगे बताओ? चलो x की कुछ वैल्यू, भाई कांस्टेंट पता करना है कि fx कांस्टेंट है तो x की जो मन चाहो वैल्यू डालो और इंटीग्रेट करके आंसर निकाल दो, वही आंसर सेम ही आएगा ना बच्चों? यस राइट। अब तुम सोचो जरा, मतलब यहीं पे बस वही पूरे क्वेश्चन में दिमाग लगाने की दो ही जगह है, पहला कि fx को कांस्टेंट प्रूव करना है राइट, और दूसरा क्या दिमाग लगाना है बच्चों बताओ? दूसरा दिमाग लगाना है कि यार x की कौन सी वैल्यू रखने से ये इंटीग्रल जल्दी से हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। बच्चों जरा ध्यान दो, x की कोई ऐसी वैल्यू डालूं जिसमें sin square x और cos square x अगर इक्वल बन जाए तो बताओ मेरा इंटीग्रल इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? π/4 x की वैल्यू अगर मैं π/4 डाल दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों इक्वल हो गए तो बच्चों इनको क्लब करके क्या बन जाएगा? sin इनवर्स √t + cos इनवर्स √t बन जाएगा ना? नोट्स में आप पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया आएगा कि इसी चीज पे मेनली हम लोग को ध्यान देना चाहिए राइट। अच्छा पाई बाई फोर यहाँ डाला तो बताओ क्या बन गया? 0 to π/4 में ये पाई बाई फोर डाला तो 1/2 बन गया ना, 1/√2 मतलब 1/2 बन गया ना। तो वो पाई बाई टू कैसा है बता सकते? अरे बाबा एक्स को तूने पाई बाई फोर डाला, देख इधर डाल तो ये जीरो लिमिट बोल, लिमिट बोल ऐसे बोलती चली जा, लिमिट बोल जीरो टू हाफ हो जाएगा। और ये लिमिट क्या आएगी बता? जीरो टू हाफ। अब बता जीरो टू हाफ में जब तू इसको ऐड करेगी तो ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा? अच्छा हाँ पाई बाई टू बन जाएगा, पाई बाई फोर आ गया ना। अच्छा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पाई बाई फोर आ जाएगा ना? हाँ आ जाएगा। तो करने का सेम पैटर्न ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में रहता है, ऐसे कुछ नयापन इस क्वेश्चन में है नहीं एक्चुअली मेरे लिए राइट। सो इज देयर एनीवन हैविंग डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देन आई विल राइट वन मोर क्वेश्चन। यस सर राइट। अच्छा स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है?
तो मैं ले लेता हूँ। हाँ वेदांग गो एड एंड टेल मी डन। ले लिया सर, ले लिया। और हाँ गाइस इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा भी क्वेश्चन ले सकते हैं, बट डिपेंड्स। अच्छा गाइस एक बात बताओ मुझे, मानो तुम्हें ऐसा कुछ दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू साइन टी स्क्वायर डी टी। गाइस जब तुम डी टी लिखते हो ना तो ये वेरिएबल है इंटीग्रेशन के लिए, साइन टी स्क्वायर इज अ वेरिएबल फॉर इंटीग्रेशन। बताओ बच्चों ये एक्स वेरिएबल है क्या? नो सर, इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल नहीं, वैसे वेरिएबल है लेकिन इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल नहीं। लेकिन गाइस ये एक्स कांस्टेंट है क्या? ये जो मैंने यहां लिखा है विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल, यस विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल, यस। लेकिन इस फंक्शन के लिए कांस्टेंट है क्या? नो सर, नहीं नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे x into 0 to x square sin t square dt बराबर। और जब प्रोडक्ट फॉर्म में लगाएंगे अगर f dash x निकालेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, बराबर है? एंड वी कैन डिफरेंशिएट इट, बराबर। आंसर इंटीग्रेशन की टर्म्स में आएगा, मतलब तुम खुद ही सोचो x as it is, जैसे लिख ही देता हूं ना। क्वेश्चन नंबर 3 एफ डैश एक्स जो आएगा वो इंटीग्रेशन की टर्म्स में आंसर आएगा, एक्स एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया बच्चों साइन एक्स फोर, साइन एक्स फोर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, राइट? माइनस, माइनस नहीं प्लस, सॉरी प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा रहे, जीरो का तो पार्ट चला ही गया, राइट? प्रोडक्ट फॉर्मूला में अब जीरो टू एक्स स्क्वायर sin t square dt as it is, x का डेरिवेटिव 1। अच्छा खत्म, बस इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। पता है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा ना तब भी तुम्हें इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा ही, क्योंकि ये इंटीग्रेट होने के लायक नहीं है, है ना? एक चीज समझो, कोई फंक्शन इंटीग्रेट होने के लायक नहीं है, कौन सा फंक्शन इंटीग्रेट होगा और कौन सा फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होगा, राइट? इसके बारे में ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है, एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन मिलेगा ना वो इंटीग्रेट होने के लायक होगा। यहाँ पे ये या तो चार ऑप्शंस में से चारों ऑप्शन में इंटीग्रल साइन मिलेगा, और अगर इंटीग्रल साइन नहीं मिल रहा है तो ये इंटीग्रेट होने के लायक है, फिर करना है, राइट? इसलिए इसको बर्डन नहीं बनाना है कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि इंटीग्रेट होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन पूछा गया है तो मतलब इंटीग्रेबल है फंक्शन। ऐसा नहीं होता, डिफरेंशियबिलिटी में क्या करते थे, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर देते थे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएट होने के लायक भी है कि नहीं है, बराबर ना? आप लोग याद करो, हम लोगों ने कभी भी पूरे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में एक बार भी डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं है, फ्लो में जाकर के पूरी एक्सरसाइज खत्म की है, राइट? यहाँ पे भी वही है, मतलब जो क्वेश्चन इंटीग्रेट होने के लायक है वो फ्लो में जाके इंटीग्रेट होएगा ही होएगा, राइट? और जो इस पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन मुझे लेना है तो तुम ध्यान देना। हाँ बोलो, गो अहेड सर। तो फिर कभी वो लोग ऐसा दे सकते हैं नन ऑफ दिस, मतलब नॉन डिफरेंशियल फंक्शन दे देंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। ओके सर, कभी भी नहीं होगा नन ऑफ दिस। पहले मैं बता दूं एडवांस में नन ऑफ दिस ऑप्शन होता ही नहीं, राइट? तो उसकी टेंशन मत लो बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, मतलब इस प्रोफाइल पे नहीं दे रहा हूं क्वेश्चन, ये मैंने सिखाया है एक्चुअली। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं, x is equal to 0 to y, 0 to y, 0 to y, हां dt upon dt upon अंडर रूट 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, राइट? ये दिया हुआ है। और जो वो बोल रहा है इफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू के वाई, फाइंड के। मतलब ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है जेई मेंस में, फाइंड के। मैंने फाइंड के लिखा है क्योंकि ऑप्शन देने के बाद में कोई मतलब नहीं बचता है क्वेश्चन का इस जगह में एटलीस्ट, ओके? मतलब ऐसे इजी क्वेश्चन है, कुछ भी देखो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर पाओ, बाय द वे इंटीग्रेट कर पाओ, जो कि कर ही लोगे ना, डी टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 टी स्क्वायर तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना? यस यस सर, है ना? इंटीग्रेट करके फिर क्या करोगे, अपर लिमिट रखोगे तो वाई आएगा यहाँ पे, तो एक्स और वाई वेरिएबल हुए ना बच्चों,
यस तो dx by dy निकाल सकते हैं ना यहाँ पे बोलो हाँ यस dx by dy क्या निकलेगा बताओ dx by dy is equal to पहले t को रिप्लेस करोगे y से और फिर y का डेरिवेटिव यही करोगे ना बच्चों यस सर यस सर अच्छा t को डिफरेंस पहले t को y से रिप्लेस किया बताओ क्या है 1 upon under root 1 plus 4y square और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू y डोंट फॉरगेट विद रिस्पेक्ट टू y कर दे वो नहीं आएगा ना बच्चों हां तो बताओ dy by dx क्या बन गया बच्चों इधर dy by dx क्या बन गया अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वायर राइट मैंने मतलब इन दिनों में तो मैंने ऐसा देखा है कि ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स में और एक बार नहीं दो तीन बार मैंने ये रिपीट किया आप लोगों को कि भाई तुम लोग जो ना थियरी नोट जब पढ़ रहे हो ना इधर क्लास में ये जो बच्चे 4, 5, 6, 10 जो भी होते होंगे बच्चे जो रिकॉर्डिंग सुनने में अभी बिलीव रखते हैं ना वो तो भूल जाओ आईआईटी मतलब जेई मेंस या बोर्ड्स की प्रिपरेशन में तैयारी शुरू कर दो ठीक है लेकिन जो बच्चे क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं ना उनको इधर ही सब समझ में आना चाहिए और जो चीज समझ में नहीं आई ना उसको नोट्स में जो लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करके और अपर मार्जिन में लिख देना चाहिए क्योंकि अब वो टाइम खत्म हो गया जब तुम इनसिंसियरली कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी पढ़ते रहोगे और फिर एक्सपेक्ट कर लोगे कि हम 1000 रैंक में कहीं आ जाएगा तो हमें मजा आ जाएगा बच्चों वो पॉसिबल नहीं है ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये वाला पार्ट समझो इस चीज को यहाँ मैंने dx by dy निकाला ये भी पकड़ में आना चाहिए यार ये बनेगा तो फंक्शन इसी तरह का ना इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ y आ जाएगा तो dx by dy निकल गया तो dy by dx निकल गया अब तो बहुत इजी काम हो गया ना बच्चों d2y by dx को डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बताओ d2y by dx क्या आएगा ऑफिस 1 by 2 root 1 plus 4y square into 8y into dy by dx into 8y dy by dx very good सर इसका ये dy by dx और ये कट गया हाँ देखो ना dy by dx यही तो है क्या कितना बच गया 4y बच गया ना इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन उसी बच्चों को गलत हुआ होगा जिस बच्चे को ये कंटेंट आता ही नहीं है या जो बच्चा क्लास में ठीक से प्रेजेंट नहीं था मतलब उसका ब्रेन क्लास में नहीं था राइट उसी बच्चों को गलत हुआ होगा तो उसको तो आईआईटी जाना भी नहीं चाहिए तो बताओ तुम में से आईआईटी किसको नहीं जाना चाहिए ऑब्वियसली जो सिंसियर बच्चा नहीं है उसको आईआईटी नहीं मिलेगा ना फाइनल ऐसा ही होता है मतलब जो टाइम आ रहा है ना फरवरी मंथ जैसे ही तुम लोग को स्टार्ट होएगा तुम्हें जेई मेंस का बोर्ड्स का एन नंबर ऑफ थिंग्स अब धीरे धीरे तुम्हें प्रेशराइज करेंगी राइट और उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए राइट फ्रॉम डे वन जब से मैंने तुम लोग को ज्वाइन किया है मैं बोलता चला आ रहा हूँ फॉलो द सिस्टम राइट वो प्रेशर ये जो तुम लोग को लास्ट के 1-1.5 महीने में मार डालता है उससे डिस्टेंस बनानी है अब इन दिनों में स्पेशली उससे डिस्टेंस बनानी है बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो था ना इजी था ये सिखाने के लिए था और अब इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चंस और लेंगे एंड दैट्स इट उसके बाद में 16 क्वेश्चन टोटल है बच्चों इस पे जो आपको मतलब पूरी प्रैक्टिस करा देते हैं इस प्रोफाइल की पूरी अच्छी खासी प्रैक्टिस करा देंगे 16 क्वेश्चन आउट ऑफ विच दिस इज एक्स्ट्रा ये मेरे को नहीं लेना था 3 क्वेश्चन वी हैव डन और शायद 1 और 2 और कर लेंगे बाकी बचे हुए 8-10 क्वेश्चन तुम्हारे पास में रहेंगे 10-11 क्वेश्चन सॉरी तुम्हारे पास में होमवर्क के लिए रह जाएंगे ठीक है सो आई एम राइटिंग द 5th क्वेश्चन इज देयर एनीवन हैविंग डाउट इन दिस सर प्लीज गो अहेड सर आपने ऐसा क्यों बोला कि अगर ऑप्शन दे देते तो फिर डायरेक्टली आस्क करना सर नहीं वो बाय मिस्टेक में बोल गया मुझे भी रियलाइज हुआ कि ये कुछ बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट नहीं था अगर ऑप्शन देते तब भी 4 आंसर जो आना था वो 4 या उसी हिसाब से आता था ऑप्शन देने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है ओके सर इट वाज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट एक्चुअली सर हां बोलो सर हम लोग dy / dx को dx / dy कुछ कंडीशंस भी लिखते थे ना वो इस तरह वेरीफाई कैसे हां इधर एक्चुअली क्या होता है बच्चों होता क्या है जब बोर्ड पे हम लोग क्वेश्चन देते ना कभी-कभी तो थोड़ी बहुत कंडीशन उड़ा देते हैं तुम्हें पता लगेगा तुम जेई एडवांस का कोई भी पेपर पुराने साल का उठा के देखोगे ना एक पूरा बंच ऑफ पेपर है ऐसे नहीं कि विंडो में मत चले जाना पूरा पेपर देखोगे तो पता लगेगा कि उधर में जो है ना एक एक कंडीशन बकायदा वो देता है वो यहाँ पे जो है ना इधर में इसने सामने लिखा हुआ है y is equal to fx is a bijective function बच्चों बताओ bijective function में dy by dx को dx by dy लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं लिखते हैं यस सर एग्जाम्स में तुम्हें कहीं भी ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज देखने को मिलेगी नहीं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं ओके सो बच्चों आई एम गोइंग फॉर वन मोर क्वेश्चन लिमिट्स का क्वेश्चन है तुम लोग पहले कर चुके हो बट अभी उसको रिपीटेशन जरूरी है एग्जैक्ट क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं है
दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. लिमिट x टर्निंग टू 0, इंटीग्रेशन 0 टू x, x इनटू e टू द पावर t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर x स्क्वायर, राइट? पहले किया है शायद. हाँ, ये क्वेश्चन किया है, मुझे पता है किया है, फिर भी मैं करा रहा हूँ उसको, है ना? अच्छा ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मतलब आपको याद है ना कि जब भी लिमिट करते थे तो प्रोडक्ट में कोई लिमिट आती है तो उसको, वैसे देखा जाए तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें से x बार आएगा कि नहीं आएगा, सही है सर? यस सर. यस सर. अच्छा, जीरो टू जीरो ये x बाहर निकाल ही देते हैं, यहाँ से x बाहर निकाल ही देते हैं, ये निकल गया बाहर. अब तुम जीरो डालोगे तो ये जीरो बनेगा, जीरो टू जीरो में ये जीरो बनेगा, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? e टू द पावर जीरो बनोगे. हाँ हाँ सर. तो या तो तुम क्या करोगे, इसमें डायरेक्टली उठा करके और डिफरेंशिएट कर दोगे, ऐसा मत करो, इसको स्मार्टली सॉल्व करो. ऐसे लिखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्सटेंडिंग टू जीरो, एंड व्हाट विल यू डू हियर, एक्स इन टू जीरो टू एक्स, ई टू द पावर टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस, एक काम करो माइनस साइन यहाँ कॉमन ले लो बच्चों, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर. बच्चों बताओ ये पता है कि नहीं पता है? 1 एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए 1 ही होता है ना? यस सर. तो उसको पकड़ के अपने हाथ में अपनी जेब में डाल दो, एंड में आंसर लिख देना इसका, ठीक है? मतलब करते ही जाओ, हर बार लिखोगे ना तो बोर्ड पे जगह नहीं है, हर बार लिखते जाओ. तुम्हें ऐसा लगता है कि इंटरमीडिएट लिमिट लगाने से गड़बड़ हो जाएगा, नो नोट दैट. तुम लोग इसको यहाँ पे 1 लिख दो. अब बताओ x को, x तो कैंसिल हो गया. यस सर. अब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं बच्चों, अब भी जीरो देखो, एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए जीरो टू जीरो, x से जीरो कर दूंगा और ये जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गया, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में कितना आया बच्चों? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो बच्चों सर, नहीं मेरे को लगा वो लिमिट में 2x स्क्वायर है, तो लिमिट में x स्क्वायर नहीं, लिमिट में x ठीक है, e स्क्वायर x स्क्वायर इनटू 1, इनटू 1 लिख देता हूं ताकि पता रहे कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव है, फिर जीरो का तो मामला ही खत्म. अच्छा, डिनोमिनेटर में सिर्फ x ही है ना, तो इसका डेरिवेटिव 1. बच्चों माइनस साइन मत भूल जाना, एग्जाम्स में यही गलतियां होती है. ओके सो गाइस, व्हाट डू यू गेट फाइनली, टेल मी? इट्स माइनस 1. माइनस लिमिट्स के ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम्स में, नहीं क्लेम किया जा सकता, आ सकते हैं, आते मतलब मैं बोलूंगा आते हैं, और स्मार्टली सॉल्व नहीं करोगे तो गड़बड़ भी होते हैं. तुम्हें प्रैक्टिस शीट में भी कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे एक्चुअली देखने के लिए, ठीक है? वेदांग गो अहेड. किसी को सर सर ले लिया. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस एंड वी विल मूव फ्रॉम नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2. बच्चों ये क्वेश्चन अगर तुम लॉन्ग ट्रैक से सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें लग जाएगा बहुत टाइम, और इसमें मैं तुम्हें टाइम दे भी रहा हूँ एक्चुअली स्टार्ट करने के लिए, राइट? और अगर पता लगा लिया कि हाँ यार इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व तुमसे. एक मिनट. हाँ हाँ, मिला. क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन यू बीइंग गिवन fx इज इक्वल टू 0 टू x e रेज टू पावर t sin x माइनस t. अच्छा ये क्वेश्चन गारंटीड तुमसे हो जाएगा, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं ही नहीं एक्चुअली, मैं तुमसे डिस्कस करके इस क्वेश्चन को खत्म करने में इंटरेस्टेड हूं, तुम्हें टाइम इसका देने में इंटरेस्ट मेरा कम हो गया अभी. इसके लिए उसने बोला फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स, फाइंड
रेंज ऑफ एफ एक्स। बच्चों एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे वेरिएबल कौन है इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में? टी। तो साइन ऑफ एक्स माइनस टी तो इंटीग्रेट तुम कर ही नहीं सकते एक्चुअली। e raised to power t into sin of x minus t के लिए प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सही है सर? यस यस सर। इंटीग्रेशन के लिए एक कांस्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक तरीका और है बच्चों, बताओ क्या? क्या sin को खोल दे? हां sin x minus, हां हां प्रेक्षा एकदम करेक्ट बोल रही है। वो बोल रही है कि सर एक काम करो, sin x minus t को ओपन कर दो। बच्चों sin x minus t ओपन होगा sin x cos t और minus cos x sin t, ऐसा कुछ आएगा ना? यस सर यस सर। और फिर उसके बाद में स्प्लिट करके sin x को बाहर निकाल देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कुश्ती लड़के और अपन fx पे तो पहुंच जाएंगे। तो गारंटी हो गई fx पे सारे बच्चे पहुंच जाएंगे, सही है सुनो? यस सर। हां सर। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में अगर मैं उतने लंबे प्रोसेस में नहीं जाके किंग लगाऊं तो मुझे बताओ fx को x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा बच्चों? 0 प्लस बताओ a प्लस b माइनस 0 प्लस x माइनस t, जिससे रिप्लेस करना पड़ेगा ना? यस a प्लस b माइनस x, x के जगह कौन है यहां पर? t है ना बच्चों, dt है ना? हां हां सर। राइट, तो बच्चों क्या बन जाएगा fx, क्या बन जाएगा बताओ? fx क्या बन जाएगा सर? t को रिप्लेस करेंगे सर, t को रिप्लेस करेंगे ना सर। ओह सॉरी, t को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? a प्लस b माइनस 0 प्लस x माइनस 3 होगा तो ये ना सर? हां हां, तो 0 टू x बच्चों ये क्या बनेगा? e रेस्ट टू पावर x माइनस, बराबर है? और बच्चों ये क्या बन जाएगा? sin t, sin t। बताओ अब स्प्लिट कितना फास्ट हो रहा है ये? बच्चों स्प्लिट हो रहा है ना फास्ट, देखो अभी बाबा e रेस्ट टू पावर माइनस t तो अंदर ही रहना, तो e रेस्ट टू पावर x को बाहर निकाल दो, x बाहर ले सकते हैं। हां e रेस्ट टू पावर x 0 टू x e रेस्ट टू पावर माइनस t sin t dt। बच्चों f - x बोलो, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, f - x बताओ, f - x is equal to e raised to power x as it is, इसका डेरिवेटिव बच्चों, इसका डेरिवेटिव t को रिप्लेस करना है x से, तो कितना आ जाएगा? e raised to minus x into sin x, ये भी तो आएगा। फिर t को रिप्लेस करना एकदम फालतू, बराबर ना? राइट, तो बच्चों अब इसके बाद बात क्या करें? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये एज इट इज, अब कौन एज इट इज प्लस इंटीग्रल वाला एज इट इज, इंटीग्रल और इनटू इट तो था 0 टू x व्हाट e रेस्ट टू पावर माइनस t वही रहेगा sin t dt एज इट इज। और बच्चों इसका डेरिवेटिव e रेस्ट टू पावर x का डेरिवेटिव और वापस e रेस्ट टू पावर x से आएगा, कोई मुझे बता सकता है ये वापस वही फंक्शन आ गया fx ही आ गया? यस सर fx। बच्चों ये क्वेश्चन ये नहीं है, आई विल जस्ट रेक्टिफाई द क्वेश्चन, लेट मी सी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने गलत कैसे लिख दिया मुझे सुन में नहीं आ रहा। वो बोल रहा है इफ fx इज अ वेरिएबल फंक्शन, मैं तुम्हें भेजूंगा ये तो पता लगेगा, 2007 का क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना? और उसमें मतलब मेरा जो पीडीएफ तुम्हें मिलेगा ना बच्चों, वो पीडीएफ में तुम्हें 2008 लिखा हुआ मिलेगा। उसका रीजन क्या है? 7 में आया तो 8 में करा रहे हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन तो मिलता है क्वेश्चन में, मैं हमेशा मॉडिफाई करता हूं, एंड आई हैव टोल्ड यू द रीजन राइट। अच्छा इसमें उसने पूछा क्या था जो मैंने करेक्ट नहीं लिखा है? उसने पूछा था इफ फाइंड द रेंज ऑफ, ये नहीं पूछा था, वो पूछ रहा है इफ जीएक्स इज इक्वल टू, इफ जीएक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ एक्स, एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ एक्स राइट, फाइंड रेंज ऑफ जीएक्स, फाइंड रेंज ऑफ जीएक्स, दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी तो कहानी खत्म हुई नहीं, इसका मतलब एक स्टेप और लिखनी पड़ेगी। आप पहले बताओ f dash x को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? ये तो खत्म हो गया, ये sin x आ गया, और बच्चों इसको y लिख दूं क्या डायरेक्ट? y का मतलब fx, सॉरी fx, एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, तो बताओ f dash x कितना आ गया? cos x plus f dash x, बच्चों सही है ना? yes। और ये बन जाएगा f double dash x is equal to cos x plus f double f dash x का भी बच्चों यहाँ से वैल्यू उठाओ और नीचे डाल दो, क्या बन गया? cos x plus sin x plus f x, sin x plus f x, तो बताओ f double dash x minus f x जो कि g x है कितना बन गया? cos x plus sin x बन गया कि नहीं बन गया? yes sir। बच्चों रेंज ऑफ g x पता लग गया क्या? हाँ minus root 2 to root 2 माइनस रूट टू टू रूट,
पता है इसको तुम वैसे भी कर सकते थे, मतलब शुरुआत में जैसे हम कर रहे थे ना, साइन एक्स कॉस टी कॉस एक्स साइन टी ओपन किया और सॉल्व हो गया, वैसे भी कर सकते थे एक्चुअली, कुछ ऐसा गंदा नहीं होता था, बट यस तकलीफ होती थी, मतलब थोड़ा गंदा इन द सेंस फंस जाते थे किधर जाकर के। अब मैं आपको आप लोग को एक चीज बताता हूँ, मैं हर साल इस चीज को जो है ना एंड में बोल ही देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, पर जो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ना बिना किसी लेफ्ट राइट के कि कुछ नहीं करना, सीधा डिफरेंशिएट करो फंक्शन निकालो, वो बीच में फंस के कुछ रॉन्ग आंसर भी निकालते हैं। मतलब मानो कि एक बैच में 50 बच्चे, 50 में से 10 बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जो बोलते हैं सर मैंने ओरिजिनल मेथड से किया, कुछ किंग वगैरह नहीं लगाया, और फिर सॉल्व किया देखो मेरे सॉल्यूशन में कहां गड़बड़ है, मेरे को रेंज डिफरेंट आ रही है। ऐसा किसी भी बच्चे के साथ अगर कोई केस होता है तो उसको अपने ग्रुप में डाल करके उसको रेक्टिफाई जरूर करना चाहिए, कहीं कोई मिस्टेक ऐसी होती है जिसकी वजह से हम लोग को आंसर रॉन्ग आता है। बच्चों आर यू क्लियर विद द सॉल्यूशन आई हैव गिवन ऑन द बोर्ड, इज देयर एनीवन हैविंग डाउट? नो सर। ऑलराइट सो गाइस दिस वाज द वन पॉइंट वी हाईलाइटेड लास्ट टाइम, राइट? देयर आर फोर पॉइंट्स, वी विल गो टू द सेकंड पॉइंट। देयर आर टोटल 16 क्वेश्चन आउट ऑफ व्हिच 5 आई हैव डन एंड आई बिलीव एबीसी मिला लो, किसी क्वेश्चन में एबीसी होंगे तभी तुम्हें 15 क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस के इसके मिलेंगे नहीं। दो तीन अच्छे प्रॉब्लम्स इसमें हैं जिसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे तुम्हें साथ में, तो होमवर्क करने में दिक्कत तुम्हें ज्यादा आएगी नहीं। अच्छा मुझे बताओ होमवर्क ओवरलोडेड अब भी है कि अभी ठीक हो गया है सब? है सर, उल्टा बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक बहुत खत्म हो गया, तीन तीन चैप्टर एक साथ खत्म हो गए। हां सर, एक ही ट्रैक में, मतलब मैथ्स का लेक्चर दो तीन महीने जे एडवांस तक रोक दें क्या, ताकि मैथ्स का? नहीं सर, चलने दो, होमवर्क आप नहीं नहीं मतलब मैथ्स का होमवर्क नहीं करोगे, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इस चीज का जरूरत है। और मैं तो बाकायदा टाइम टेबल भी बना के देता हूँ कि इतना देर इतना देर इतना देर इसमें लगाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा सर, नेक्स्ट लेक्चर तक हो जाएगा। तुम्हारे क्लास में पता नहीं बोला कि नहीं बोला, बोल दिया सर, मैंने बोला था कि 3-4 घंटे लगे ना लेवल 1 में चलेगा, दैट्स नॉट द बिग इशू, लगता है उतना टाइम, कोई कोई स्टूडेंट आराम आराम से लगेगा, तो लेवल 1 115 प्रॉब्लम्स हैं तो 4-5 घंटा भी लगता है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कभी कभी टाइम खा जाता है, उतना टाइम डिवाइड करके रखो ना अपना तीनों सब्जेक्ट्स में, तो तुम होमवर्क कर पाओगे, होमवर्क नहीं करोगे तो गड़बड़ी, ये समझ लो। विदाउट कैन आई रेज दिस? हां सर ले लिए। भाई सब लोग ध्यान दो, अगला वाला पार्ट भी हम लोग का किया हुआ है, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि मैं बोल रूप किया हुआ है और छोड़ दूंगा ना तो तुम होमवर्क में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, फिर लगेगा अरे यार पुरानी चीजें याद तो है नहीं पर होमवर्क हो ही नहीं रहा है, अभी करवा दिया तो होमवर्क आराम से बनेगा, मैं इन एडवांस बोल रहा हूँ, होमवर्क आराम से बनेगा, फंसोगे तो ग्रुप पे सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ये वाला हम लोगों ने किया है ना पहले, समेशन, ये सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, ये हम लोगों ने किया है ना पहले, एफ ऑफ आर बाई एन 1/n r equal to 1 to n और लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इनफिनिटी। सर बताओ बच्चों क्या करते थे इसमें, r by n को x से रिप्लेस करते थे, याद है? 1/dx। और बताओ समेशन की जगह इंटीग्रल आ जाता, समेशन की जगह इंटीग्रल, और एक चीज बताओ ना, एक और लिमिट से इवैल्यूएट करते थे, लिमिट कैसे इवैल्यूएट करते थे, अपन ने r by n को x लिखा है ना और हम लोग को इंटीग्रेशन में लिमिट किसकी चाहिए, x की चाहिए ना, तो सॉल्व r by n लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इनफिनिटी के लिए फॉर लिमिट्स, फॉर लिमिट्स, याद है ना ये सब क्या करते थे हम लोग। बच्चों इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले 1/(n+1) 1/(n+2) अप टू सो ऑन +1/4n, और बच्चों दिया हुआ है लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, सबसे पहले इसको समेशन में चेंज करो, बताओ समेशन में अगर लिखूं तो वेरी कौन कर रहा है, n तो फिक्स है 1/(n+) ये 1 2 3 4 फिक्स चेंज हो रहा है तो n+r बराबर ना? यस सर। r किधर से किधर गया बच्चों? 1 से 3n, डोंट फॉरगेट दिस 1 से 3n। अच्छा अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए पता है दो ही मेथड होते हैं, दोनों में से एक मेथड जल्दी लगता है, दूसरा मेथड या तो नहीं लगता है या फिर थोड़ा लंबा जाता है। एक तो वो था ना सैंडविच थ्योरम, वो लगता है ओके, जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और जब मिक्स प्रॉब्लम्स आएंगे ना तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि ये सैंडविच से होगा और ये
इंटीग्रेशन से होएगा, वो बाय द टाइम हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, इस मेथड से अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे दो चीजें साइमल्टेनियसली चाहिए, r by n और 1 by n साइमल्टेनियसली। बताओ मिल सकता है क्या यार? डिनोमिनेटर से n कॉमन, इससे n कॉमन ले लो, इससे n कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 अपॉन 1 प्लस r by n इनटू 1 by n, r इक्वल टू 1 टू 3n। अच्छा ये इंटीग्रल क्या बन गया बताओ? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस x 1 by n dx। लिमिट्स बताओ बच्चों, आर की जगह में लोअर लिमिट निकालने के लिए आर की जगह में वन यहाँ रखो, वन यहाँ रखो, वन बाई एन बन गया, और एन टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए सॉल्व कर दो, जीरो आ गया। आर की जगह में अपर लिमिट, अपर लिमिट ये वाली रख दो बच्चों, अच्छा ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, एलएन फोर इज द आंसर। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं सर। मतलब इस तरह के कम से कम क्या, मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ ना, होमवर्क तो अभी तुरंत ही मिलेगा ना, रुको। आर बाई एन वाली प्रोफाइल पे तुम्हारे पास जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं उसमें ज्यादा क्वेश्चंस जो है ना सॉल्व किए गए, लेकिन फाइनल आंसर तक नहीं, इंटीग्रेट तुम्हें करना पड़ेगा और कर ही लेना बच्चों, छोड़ मत देना। हम लोग जिस चैप्टर में चल रहे हैं उसका वेटेज बहुत जबरदस्त है, उसमें लेवल 1 2 3 और जो ये जो पीडीएफ स्क्रीनशॉट्स वगैरह मिलते हैं ना, इनका हर एक क्वेश्चन तुम्हें आना ही चाहिए, कंपलसरीली आना चाहिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि बुकलेट के इतने मॉड्यूल उतने मॉड्यूल सब सॉल्व करो, बट अब मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना बोल सकता हूँ, क्लासरूम नोट्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है स्क्रीनशॉट्स के साथ वो तुम्हें आना चाहिए, प्लस लेवल 1 2 3, दैट विल गिव यू स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक्चुअली बच्चों इसमें क्वेश्चन का जो नंबर है 7th ABC 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो छोड़ो ना 6, इसमें भी करीब करीब मानो तुम 15 क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे ले रहा हूँ, मतलब अच्छा क्वेश्चन है उसको मैं बोर्ड पे ले रहा हूँ, और बाकी बचे हुए 13-14 क्वेश्चन जो ना वो तुम लोग को ट्राई करने हैं, थोड़े टफ से जाएंगे, एक आध क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेंगे क्लास में, वो तो हम कर ही रहे हैं, स्क्रीनशॉट सारे क्लास में, स्क्रीनशॉट तो क्लास में डिस्कस किए हैं बच्चों को तुमने, या कुछ छोड़ा? हाँ सर, हाँ किया है, हाँ डाउट, वो नहीं छोड़ना है, टाइम जाएगा स्क्रीनशॉट डिस्कस करने में चलेगा, बट वो बच्चे वो थ्योरी का एक पार्ट है एक्चुअली, बराबर। सो लाइक मैंने 3 ईयर बैच में भी उनको डाउट्स कितने हैं ये मुझे पता नहीं है, बट आई रिमेम्बर इन एवरी लेक्चर आई टोल्ड देम पहले डाउट डिस्कशन, उसके बाद में थ्योरी आगे चलेंगे, भले तो सारे पूछ लो तो मुझे चलेगा, और ठीक है कम थे डाउट्स लेकिन डाउट डिस्कस हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों इस पे है, लिमिट एन अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। बच्चों ये फैक्टोरियल का सिंबल मैं ऐसे ही बनाता हूँ, फैक्टोरियल 2n रेज़ टू पावर 1 बाय n अपॉन एन स्क्वायर। मुझे तो लग रहा होगा यार ये क्या ड्रामा है, मतलब कहाँ समेशन सीरीज समेशन को हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं और सर ने ऐसा लिख दिया है, ये कैसे पॉसिबल है बच्चों? हमें इसको समेशन में चेंज करना ही है, यही अपना पर्पज है एक्चुअली। आप बताओ इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 × 2 × 3 × 2n बराबर ना, ये फैक्टोरियल 2n लिख दिया। यस सर, हाँ अब पता क्या करो, अब इसको ऐसे लिख दो, सबको एक ही कहने दे, 2 by n बांट दो, नीचे वाले n को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अप टू 2n by n रेस्ट टू पावर 1 by n। अच्छा इसमें कोई डाउट है किसी को? देखो ये क्वेश्चन चेंज होके ऐसा कुछ बन गया है। बताओ बच्चों प्रोडक्ट को समेशन में चेंज करने के लिए किस फॉर्म की यूटिलाइजेशन हम लोग मेनली करते हैं? ln, ln लेते हैं, तो इसको मैं एल अगर लेता हूँ, इसको अगर मैं एल लेता हूँ तो बच्चों एल एन एल क्या बन जाएगा, कोई बताएगा मुझे? बराबर बच्चों, अब इसको बताओ समेशन में कैसे लिख दूं बच्चों? 1 by n तो बाहर रहने दो, समेशन एल एन आर बाई एन कर दूं क्या? यस सर। आर किधर से किधर जा रहा है बताओ? 1 से
2n. 1 से 2n. 1 से 2n. R 1 से 2n. बच्चों बताओ ये ln L राइट हैंड साइड में सॉल्व करूंगा तो आंसर ln L आएगा. L लेने के लिए फिर एंटीलॉग ले लेंगे. बताओ ये इंटीग्रल क्या होगा, बताओ ये इंटीग्रल क्या होगा, आपको ये इंटीग्रल क्या बन रहा है कोई बता सकता है मुझे? दिस इज इक्वल टू ln x dx. ln x dx इंटीग्रल का लिमिट 0 टू 2. 0 से 2. 0 से 2. अब बच्चों ध्यान दो, ये क्वेश्चन में आप भी सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो. ln x का इंटीग्रल होता है x ln x minus x. रट गया होगा अब तो तुम लोग को मेरे हिसाब से. हाँ 1 n बाहर भी रहेगा सर. क्या रहेगा बेटा बाहर? तो अंदर गया ना. अरे बाबा 1 by n तो dx में चला गया. अच्छा हाँ सर ठीक है ना. ओके सर लोग ध्यान दो बच्चों, एक बात बताओ 2 डालोगे तो आंसर आ रहा है. 2 डालोगे तो क्या आंसर आ रहा है? 2 ln 2 minus 2 बराबर ना. लेकिन बच्चों 0 अगर यहाँ डालेंगे तो क्या होगा? कितनी बार कर चुके हैं पूरी मैथ्स में हम लोग. और ये भी जीरो तो ये जीरो हो जाएगा ना बच्चों, माइनस जीरो. अच्छा एक बार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. चलो ये तो हो गया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, थोड़ा मॉडिफिकेशन करने हैं इसमें. कैन आई राइट इट ln 4 माइनस ln e स्क्वायर? थोड़ा कट रहा है, आप लोग को नजर आ रहा है क्या? दिख रहा है सर. बताओ एल का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? आ गया ना. किसी बच्चों को डाउट है क्या? नो सर. अच्छा पता है इसको इंटीजर टाइप में पूछ लेगा ना तो बैंड बजेगी. ऐसा नहीं है कि आईआईटी अपना स्टैंडर्ड डाउन कर रहा है, मतलब इसके पेपर सब अच्छे आने लग पड़े तो लोग किसी एक पेपर में उठा के पटक नहीं दे देगा बढ़िया वाली राइट. और अगर तुम शुरू से गलत फहमी में चल रहे हो कि इस तरह का वजह है आईआईटी इंटीजर में थोड़ी 4 बाई ई स्क्वायर इंटीजर में सॉल्व करना, इट्स नॉट ईजी. इफ यू हैव नॉट हर्ड मी प्रॉपरली इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स देन आई विल रिपीट इट वंस अगेन. Remove Desmos and calculator from your mobile. If you want to go for a good rank in IIT, though it will waste your time by calculating something in chemistry, maybe in maths, right? But it is very useful. You'll be in practice of that, and that practice is needed as per IIT requirement these days. E square ki value pehle nikalo aur fir usko calculate karo. Apne apne task lagta hai us time. Lagta hai na kyun kar raha hai yaar? सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन, आंसर दो ना ये आ जाएगा ना फटाफट से. लेकिन ये चार ऑप्शन में आंसर फटाफट से आएगा और इंटीजर टाइप में थोड़ा टाइम और ले लेगा. सो यू हैव टू बी अलर्ट ऑन दैट. मतलब इस प्रोफाइल पे अगर मैं होमवर्क अभी दो क्वेश्चंस के बाद में होमवर्क दे दूं तो चलेगा कि एक दो क्वेश्चन और करूं? एक दो क्वेश्चन कर लेना चाहिए. चलेगा सर, दे दो होमवर्क. अच्छा एक क्वेश्चन तुम दो क्वेश्चन कर लो उसके बाद होमवर्क दे दो. हां मैं सुन नहीं पाया एक्चुअली सब लोग सर. एक दो क्वेश्चन दे दो उसके बाद होमवर्क दे दो. अच्छा चलो ठीक है. एक विदांग जरा इसका फोटो लेना. ले लिया सर. ऑलराइट चलो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, फिर मतलब होमवर्क वाले क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है और फिर बाकी बचा हुआ होमवर्क में डाल देते हैं. ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो हो ही जाएंगे, मतलब जैसे एक गंदा दिखने वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं. चलो नहीं लेकिन इसका सॉल्यूशन दिया हुआ, जिसका सॉल्यूशन दिया हुआ वो क्वेश्चन लेके क्या ही करेंगे आप. अच्छा ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन नहीं है. एग्जांपल लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी
अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट टू अप टू टू अंडर रूट एन. ध्यान से देखना, हाँ कबड़ा हो जाता है कभी कभी इस क्वेश्चन में, 90% स्टूडेंट्स को हो जाएगा, नहीं ज्यादा, उससे भी ज्यादा को हो जाएगा, लेकिन एक आध दो लोग कबड़ा भी करेंगे इस क्वेश्चन में, उल्टा पुल्टा करके गंदा आंसर भी निकाल देंगे. ओ, मुझे लगा 90% का कबाड़ा हो जाएगा. नहीं, 90% लोगों को हो जाएगा, ऐसा जनरली स्टेटमेंट आता नहीं है क्लास में, इसलिए हो सकता है तूने सही सोचा हो, राइट. बट ये वाला क्वेश्चन पे मैं क्लेम करता हूँ हो ही जाएगा. ट्राई करो बच्चों. जिसको आंसर आएगा ना प्लीज रेज योर हैंड. ये भी किया है शायद. मुझे याद नहीं आ रहा किया हो तो. फोर फाइव थोड़े दिन में बढ़ जाएगा ये स्क्रीन, सब लोग का ही होने तो वाला ही है ये, मुझे तो बस फाइनल आंसर वेरीफाई करना है कि सबको आया कि नहीं आया. जिन बच्चों को कोई भी क्वेश्चन जल्दी बन जाता है ना, मैं अभी पुराना जो प्रोफाइल किया है ना, उन्होंने पॉइंट वन उसका स्क्रीनशॉट लेके तुरंत डाल रहा हूँ उस पर, वो चालू कर दो, डोंट वेस्ट टाइम. बेटा एक मिनट प्लीज. ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स हैव डन इट. 16/3 इज द आंसर. इसको आंसर आता जाएगा, हैंड रेज करते चले जाओ और मुझे एक मिनट का टाइम दे दो ताकि मैं वो स्क्रीनशॉट एक बार ले लूं. तो पीडीएफ ही भेज दो ना. अरे रुकना यार, भेज दूंगा बाद में, फिर पूरे का एक साथ पीडीएफ भेज दूंगा. आई नो इसमें स्क्रीनशॉट में थोड़ा कभी कभी तकलीफ आता है. थर्टी टू स्टूडेंट्स, ऐसा कैसे, कुछ कुछ लोग कर ही नहीं रहे क्या? I have sent you first wala jo part hum logon ne aaj kiya hai point number 1 uska homework I have sent you on that group admin wala group hai na flagship wala there I have sent up you can check and please verify. Mil gaya sir. Jin bachon ko jaldi ho jata na wo time waste mat karo,
क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। अच्छा ये 40 बच्चों को बनना मुझे सरप्राइज लग रहा है, मतलब ज्यादा को नहीं बना, मतलब सबको ही बन जाना चाहिए था, मतलब 100% को ही बन जाना चाहिए था। माइट भी कुछ लोग जल्दी से करके और ईयरफोन हटा के बैठ गए, या कुछ लोग ईयरफोन हटा के ही बैठे हैं। वैसे मैं एक्सपेरिमेंट किया था 3 ईयर बैच पे, तो 77 में से 73 स्टूडेंट जो है ना उनका एकदम कैमरा ऑन हो गया था फटाक से। तो दैट इम्प्लाइज लाइक यू नो किसी ने मुझे टेक्स्ट किया, सर ये रिस्पॉन्स जो कभी कभी आप पूछते हो ना और एक स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इट इम्प्लाइज कि स्टूडेंट ने ईयरफोन निकाल रखा है। जब टेक्स्ट मेरे पास पर्सनल चैट पे आया तो मैंने एकदम एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं, तो एकदम एक्सपेरिमेंट तेरे से कहने से थोड़ी करूंगा, रोटेट हो जाता है वो, तो बहुत स्पीड से रोटेट होता है ना। तो रोटेट किया तो 4 बच्चे फॉल्ट पे आए उस पर, एक्चुअली उनको तुरंत रिमूव कर दिया फिर क्लास से। ठीक है, 40 बच्चों का हुआ है, डिसेंट है, माइक भी कुछ लोगों का नहीं भी हो, आई कैन अंडरस्टैंड। 16x3 आंसर अनाउंस किया इसलिए शायद नहीं हो, बट स्टिल लेट्स सी बच्चों क्या बन रहा है ये, इसको समेशन में क्या बन रहा है, जिन लोगों ने कर लिया बताओ जरा। रूट आर बाय एन समेशन आर बाय रूट आर बाय एन समेशन रूट आर बाय एन बाय एन इनटू 1 बाय एन 0 से 4 एन। हां आर का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 0 टू 0 कैसे आएगा यार, 1 आएगा, 1 टू 4 एन सर वो आदत से बोल दिया। हां ठीक है चलता है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इंटीग्रल 0 टू 4 और अंडर रूट रूट एक्स डी एक्स 16/3 डन। अच्छा इस पे डिपेंडेंट मेरे पास ज्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मैं तुम्हें होमवर्क में भी डालूंगा ना तो उसके हिंट्स लिखे हुए हैं, तुमसे हो ही जाएंगे, मतलब तकलीफ आ सकता है, तो जहां तकलीफ आएगा फाइनल आंसर निकालने में वो नेक्स्ट टाइम डाउट्स में पूछ लो, क्या बोलते हो? ओके सर बराबर है ना, राइट। अच्छा वी आर गोइंग टू द थर्ड पॉइंट, ओके। थर्ड पॉइंट में कोई होमवर्क नहीं है, जो भी है इधर बोर्ड पे ही सॉल्व होंगी चीजें, उसमें कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे ही होमवर्क आज हम लोग को मिलने जा रहा है, यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। मुझे पता है मतलब इतना लिख करके और अगर मैं तुम लोगों को क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं कि अब तुम करना थर्ड पॉइंट इज ओवर, मतलब बस सिर्फ बोला कि डिफरेंशिएट करो इंटीग्रेट करो और सॉल्व करने का कोशिश करो और फिर तुम सॉल्व करो, एक्चुअल जो बच्चा आईआईटी जाता है ना उसके लिए तो वही काफी सफिशियंट होता है। लेकिन क्या हम लोग अभी ऑनलाइन में है ना, तो ऑनलाइन में ये थोड़ी तकलीफ आ जाती है, मतलब genuine sense में you are not being able to identify a correct student, कि जो student सच में उसने कर लिया है या पूरी class suffer कर रही है, इसको कराना ही पड़ेगा, वो possibilities कम हो जाती है। इसलिए इसके एक आध दो question जो है ना online में board पे कर देने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसका पहला question आप ध्यान से देखो, अगर आप series summation पे ध्यान दो, थोड़ा सोचो series summation में day one से आप लोगों ने अब तक कौन कौन से series पढ़ी, other than the series which are out of syllabus, I will not talk about that. AP GP AGP telescopic बराबर, yes binomial बहुत सारी थी, binomial series expansions बच्चों expansions किया है ना उन्होंने Taylor's expansion में, हाँ Taylor expansion, yes sir। ये सारी चीजें जब हम एक बार एक जगह मतलब कहीं एक पेज पे लिख ले, हमारा रिवीजन पैटर्न यही तो होता है, सीरीज समेशन सर ने बोला था एक पेज पे लिखो कौन कौन सी करी अब तक, यही है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, उनमें से किसी एक को तो ढूंढ लोगे, मिल जाता है बच्चों। थोड़ा सा मैंने आपको फिर आज ही के डेट पे सेकंड टाइम रिपीट करो, पता है किनको नहीं मिलता, जिनके नोट्स पक्के नहीं होते ना उनको नहीं मिलता, बाकी सबको एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन का सोल्यूशन इधर किधर नोटबुक में लिखा हुआ मिलता है। एक्चुअली वो एग्जाम्स के बाद बाहर आकर के बोलते ना, अरे यार बाहर आके सॉल्व हो गया अंदर नहीं हुआ, तो इजीली कि नोट्स याद नहीं होते हैं। अच्छा इस पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करो एपी जीपी एजीपी जितनी सीरीज भी तुम लिख सकते हो तुम्हें याद है उनमें से कोई सीरीज है क्या। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, गिव मी जस्ट अ मिनट टू सर्च दैट क्वेश्चन।
Yeah, I've got it immediately. Yeah. Guys, the question is find s is equal to x square upon 1 into 2 minus x cube upon 2 into 3 plus x4 upon 3 into 4 माइनस अप टू सॉन. अच्छा अब ये मॉड एक्स लेस देन वन दिया हुआ है तो मुझे इसका nth टर्म लिखने की जरूरत नहीं, इनफाइनाइट सीरीज का समीशन निकालना है. अच्छा ये सीरीज ना तो एपी है ना जीपी है ना एचपी है, कुछ भी नहीं. अगर तुम सारी सीरीज लिख भी डालो ना तब भी कोई भी एक सीरीज तुम्हें यहाँ पे मिलेगी नहीं, राइट. सो गाइस जस्ट टेल मी इफ आई डिफरेंशिएट दिस कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट सीरीज डू आई गेट. किसी को आंसर मिलते ही आंसर कर सकता है. जीपी नो. इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जीपी भी नहीं मिलेगी और एजीपी भी नहीं मिलेगी पक्का. ऐसा आएगा एक्स एक्स स्क्वायर बाय टू जो आएगा वो तो सबको पता है. डोंट टेल मी वो तो सबको पता है कौन सी सीरीज मिलेगी. अच्छा अपन कैसे अच्छा तो आज हम नोट्स बनाओगे तो उसमें कैसे लिखोगे एपी जीपी एजीपी एचपी तो नहीं लिखोगे ना. एचपी का सम तो नहीं निकाला होगा ना तुमने. सर एचपी बन भी नहीं रहा है. मेरी बात तो सुनो एचपी का सम नहीं निकाला तो एचपी तो नहीं लिखोगे ना. फिर उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों तुम्हारी प्रायोरिटी पे क्या है टेलीस्कोपिक. हाँ वो भी होगा टेलीस्कोपिक राइट. उसके बाद बाइनोमियल राइट. उसके बाद एक्सपेंशन लिखोगे ना बच्चों. तो डीएस बाई डीएक्स को एक्सपेंशन का कुछ दिख रहा है क्या इधर देखो. कितना आ रहा है x माइनस x स्क्वायर बाई टू प्लस x क्यूब बाई थ्री माइनस अप टू सॉन. लॉन एक्स का है क्या. हाँ याद आ गया किसी को लॉन एक्स का आ गया. अच्छा एक छोटा सा मुझे जवाब चाहिए तुम लोगों को. ये इधर मैंने जो लिखा एक ये यहाँ पे थोड़ा है ना गड़बड़. सर सही दिख रहा है सब सही चल रहा है. बट दिख रहा है ना ये कोई टेंशन नहीं ना. हाँ दिख रहा है सर दिख रहा है सर. हाँ गाइस ये सीरीज समेशन पकड़ में आया क्या है किसका है. देखा लग रहा है. एग्जाम में ऐसे नहीं कर सकते ना. देखा लग रहा है लेकिन देखा होना भी चाहिए दैट इज इम्पोर्टेंट. टेल मी वही लॉन एक्स का. अरे हाँ एक्स का एक्सपेंशन है बच्चों. हाँ ये लॉन वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन है. ऐसे मत करो यार याद रखो चीजें. चलो बच्चों ये याद नहीं है हम हटा देते हैं इसको फिलहाल. वैसे याद होना चाहिए मैं बता देता हूँ ये कंपल्शन है याद होना चाहिए. लेकिन बच्चों एक बार और डिफरेंशिएट कर दो अगर दिक्कत है तो डी टू एस बाई डी एक्स टू क्या आएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. अब दिक्कत नहीं है बच्चों ये देखा हुआ है ये जीपी कॉमन रेशो कितना है माइनस एक्स माइनस ये कितना हो गया ए अपॉन वन माइनस आर. अच्छा इसलिए मॉड एक्स लेस देन वन है. अरे इसलिए क्या मॉड एक्स लेस देन वन एग्जाम में दिया उसने तो किसी लॉजिक नहीं इसलिए दिया है उन्होंने. मैं सोच रहा था जब तक कोई जरूरत नहीं पड़ी. एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता था कुछ तो देता ही है. बच्चों अब d2s by dx2 को इंटीग्रेट करोगे तो ds by dx आ गया ना. ये डिफरेंशिएशन वाला स्टेप आ गया बच्चों डिफरेंशिएशन वाला. बच्चों एक चीज नोटिस करो डिफरेंशिएट करने के बाद तुमने सिंपलीफाई किया ना यहाँ पे. अरे ऐसे थोड़ी डिफरेंशिएट करने के बाद छोड़ दिया सिंपलीफाई किया ना. ये स्टेप जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो सिंपलीफिकेशन वाली स्टेप हुई ना. यस सर. अब इंटीग्रेट करते हैं बच्चों बताओ ds by dx इसको मत कर देना इंटीग्रेट वरना वहीं पहुंच जाओगे. इसको करो इंटीग्रेट क्या आएगा बच्चों ln 1 plus x. डोंट फॉरगेट c. हां बच्चों c कैसे निकालोगे बताओ. x = 0 पे ds पर वैल्यू डाल दें 0. x = 0 पे ds by dx 0 c = 0 इंप्लाई c = 0. बच्चों एक बार फिर इंटीग्रेट कर दो. s कितना आ गया बताओ. ln 1 plus x का इंटीग्रल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x + 1 ln 1 plus x minus 1 plus x.
बच्चों x को लीनियर से तो रिप्लेस किया हां सर हां सर देखो भाई ln x को इंटीग्रेट करते तो x ln x - x होता ना ये फिर x को मैंने लीनियर से रिप्लेस किया तो आंसर सेम ही आएगा ना x + 1 ln x + 1 माइनस एक्स प्लस वन ये आएगा ना आंसर लेकिन बच्चों ये फाइनल आंसर नहीं है एस का फाइनल आंसर क्या आएगा प्लस सी भी आएगा प्लस सी जीरो है ना सर अरे यार कुछ भी मैंने बोला ना जब भी तू भगवान का नाम लेके कुछ काम करेगा अच्छा होने का चांस बनता है क्योंकि भगवान भी बोलता है यार दिमाग तो लगा भाई मैंने तुझे यही तो देके भेजा है नीचे तू नहीं लगा रहा तो मैं क्या करूंगा मुझे याद करता रहेगा परमानेंट मुझे कोई काम धंधा नहीं है जीरो नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ मत कर एक्चुअल कर ये इंट्यूटिवली करते है ना बड़े अच्छे अच्छे बच्चे मतलब इंट्यूटिवली बहुत कुछ करते आते एग्जाम में करके आते ना बाद में मस्त मस्त मजा आता है मजा उड़ाने में राइट ये सब मत करो प्लीज x is equal to 0 पे बच्चों क्या आ रहा है s is equal to 0 आ रहा है ना implies c is equal to 1 आता है बच्चों c dash लिखो सर प्लीज अरे ये ले यार तू क्यों जबरदस्ती मेरे माथा पच्ची करवा रहा है यार c dash बच्चों c dash बना सर वो अलग अलग रहेंगे हाँ ठीक है माफ कर दे बस ठीक है c dash बना गया बराबर अब c dash पर आ गया तो कैंसिल हो गया बराबर है बच्चों यस सर राइट तो फाइनल आंसर क्या आ गया s is equal to x plus 1 ln x plus 1 minus x बच्चों एक बात समझ लो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना उसको ध्यान दे दो अच्छे प्रॉब्लम्स के लिए बात कर रहा हूँ I'm not talking about ordinary problems करना क्या होता है सीरीज समेशन में तुम लोग जो भी लिखोगे ना अब तक जो भी किया है उसको लिखोगे तो AP GP AGP यहीं पे लिखना इसी जगह में नोट्स में लिखना AP GP AGP ढूंढ ढूंढ के क्या कुछ सीरीज समेशन में तुमने अब तक किया है सिलेबस में राइट और बच्चों उसके साथ में ये वाली चीज अटैच कर दे रहा क्या करते हैं इस चीज में पता है तुम लोग को डिफरेंशिएट सिंप्लीफाई इंटीग्रेट बच्चों डिफरेंशिएट करने के बाद जो आता है ना उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो सेम आ जाएगा ये स्टेप इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट सिंप्लीफाई एंड इंटीग्रेट यू गेट द आंसर आंसर और बच्चों एक तो सम ये हो गया दूसरे टाइप का सम कौन सा हो गया इंटीग्रेट सिंप्लीफाई डिफरेंशिएट यू गेट द आंसर बच्चों इन दोनों में से एक काम कर रहा होता है और वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है आपको तुरंत पकड़ में आता है ऐसा नहीं है आपको पकड़ में नहीं आता है आपको तुरंत पकड़ में आता है कि डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई जल्दी होएगा या इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई जल्दी होएगा बच्चों जो करने से सिंप्लीफाई आसानी से हो जाए वही कर लो राइट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अदर देन व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस टाइम ओके आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई बच्चों एक चीज समझ लो ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं ना उसका थोड़ा पार्ट तो इंटीग्रेशन से या डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हो सकता है लेकिन बाकी बचा हुआ पार्ट जो है ना तुम्हारा बुकलेट का एक क्वेश्चन है और पता है मैं इस और बुकलेट का जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम सॉरी तुम्हारे बोर्ड पे आता ही आता है मुझे याद है ऐसी चीजें तुम लोग हजार बार कर चुके हो लेकिन वो चीज तुम्हें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्लिक करती है कि नहीं करती है दैट इज इम्पोर्टेंट अब वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चों को क्लिक करता है वेदांग एक बार फोटो लेना बेटा इसकी ले लिया सर ले लिया चलो ठीक है ओके बच्चों इसमें कोई डाउट है इरेज कर दूं ना हां सर कर दो अच्छा एक कंटेंट डेफिनेट इंटीग्रल का है जो मैं हर साल मतलब किसी भी ईयर का रिकॉर्डिंग मेरा देखोगे ना तुम जो पता लगेगा वो मैं एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका 15-20 क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन की बुकलेट में है लेकिन मैं वो एरिया अंडर द कवर में ही करवाता हूँ ठीक है क्योंकि उसमें हमें उस चीज की थोड़ी जरूरत पड़ती है ओके सो एक कंटेंट अब हम करेंगे हमारा थर्ड वाला कंटेंट अभी चल रहा है प्रोबेबली एक या दो क्वेश्चन उस पे और रहेंगे एंड देन इट विल बी ओवर गाइस ये वाला क्वेश्चन इफ वंस अगेन सेम थिंग इज गिवन मॉड एक्स लेस देन 1 फाइंड
s is equal to 1 upon 1 plus x plus 2x upon 1 plus x square plus 4x cube upon 1 plus x 4. अच्छा आगे तो पता लग गया ना सीरीज का पैटर्न क्या है. थ्री टर्म्स गिव यू अ पैटर्न एक्चुअली, नॉट लेस देन थ्री इन एनी केस. ओके पैटर्न पता लग गया ना. अच्छा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मर जाओगे लग रहा है ना. यस सर. हां सर. इंटीग्रेशन कितना इजी है दिख रहा है ना. इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है इसका. अच्छा हाँ इंटीग्रेशन बहुत इजी है. भले बाय पार्ट्स तो सॉरी सॉरी सब्स्टिट्यूशन से फटाफट से हो जाएगा. सब्स्टिट्यूट हां ट्राई करो फटाफट ट्राई करो. पहला वाला में से वाला ln 1 + x के बाद क्या होगा बदाम तूने बंद कर दिया. वेदांग बंद कर दिया तूने नहीं नहीं मैंने खेती कर दिया दूसरे वाला सब्स्टिट्यूशन से क्यों नहीं होगा बता. नहीं नहीं सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा. मैं पहला वाला बोला ln 1 + x दूसरा वाला बोला आप क्या होगा. अच्छा 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 वो बोल रहा है कि पहले में क्या सब्स्टिट्यूशन 1 + x पहले में क्या सब्स्टिट्यूशन होगा ln 1 पुट 1 + x = t. चलो बच्चों करो. ये क्रिश देखो कौन है अपने बैच में है क्या. सर इंटीग्रेशन में तो सर कंटीन्यूअस समिंग होता है ना बट ये तो पीस मतलब एकदम 1 2 4 ऐसा है मतलब समझ नहीं. अरे एको बता तुझे अगर इंटीग्रल 1 i1 i2 i3 in n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख सकता है ना. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू i फिर i इज इक्वल टू i1 + i2 + i3 ऐसा लिख सकता है ना. ओके समझा. हां हो जाएगा ना इंटीग्रेट तो हो जाएगा. हां अरे करो करो बच्चों तुम्हारी बुकलेट का क्वेश्चन है. आई डोंट नो तुमसे होता है कि नहीं होता है. ट्राई जस्ट डन. समर्थ डन. समर्थ तेरा आंसर मुझे रॉन्ग लग रहा है बेटा. चेक कर ले एक बार. लग रहा नहीं है ही रॉन्ग एक्चुअली. सर एक बार चैट बॉक्स चेक कीजिए. एक मिनट देखते हैं. जस्ट तेरा भी आंसर रॉन्ग है. जस्ट क्या यार डिफरेंशिएट गलत कर रहा है बेटा. निशांत का भी रॉन्ग है. नहीं नहीं निशांत का करेक्ट है. सॉरी सोम का करेक्ट है. सोहम निशांत दो लोगों करेक्ट है. आयुष तूने आंसर नहीं लिखा क्या अभी तक. Answer integrating simplifying differentiation process works here. Yeah, so you're right. Integration simplify differentiation is the process. That's true. सब लोग फंसे हुए हैं एक ही स्टेप पे. इंटीग्रेशन के बाद लॉग को ऐड कर देते हैं. लॉग ए बी सी डी कर दिया
सर उसके बाद फंसे हुए हैं। हाँ आयुष ठीक है, तेरा आयुष तेरा भी गलत है, तूने भी डिफरेंशिएशन में मिस्टेक करी है। अभी करेक्ट है जरा। दिस वॉज एज पर माई एक्सपेक्टेशन, ये इंटीग्रेट करने के बाद फंसने में जाएगा। करंट को भी रॉन्ग है, करंट तेरा भी डिफरेंशिएशन रॉन्ग है बेटा। सब लोगों को एक रॉन्ग आंसर आ रहा है बच्चों, वन अपॉन एक्स माइनस वन, वन अपॉन एक्स माइनस वन नहीं आएगा, वन अपॉन वन माइनस एक्स आएगा। ट्राई करो देखो गड़बड़ कहाँ होगी। अच्छा मैं आर बाई एन वाला होमवर्क भी भेज देता हूँ एक बार, है ना, ताकि आज का वो कोटा होमवर्क का कोटा पूरा हो जाएगा तुम लोग का। जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स, आप लोग ट्राई कर लो ये क्वेश्चन। सर आप मेरा भी देख सकते हो, एक मिनट यार प्लीज। मैं आंसर बोला ना तो आंसर वेरीफाई कर लेना एक बार। सर आप प्लीज एक बार रिपीट कर सकते हो? वन अपॉन वन माइनस एक्स। सर माइनस नहीं है? नहीं नहीं वही तो गड़बड़ है। हाँ सर आ रहा है वन माइनस एक्स। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, डोंट वेस्ट टाइम। ये इधर जो भेजा हुआ है होमवर्क उसको स्टार्ट करो और सॉल्व करना। दो तीन क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं बीच बीच में। दिख गया मिस्टेक, खराब है कोई सर नहीं करना होता है। As I have sent you the homework on the second point also. Check and verify please. R by N वाला भी homework मैंने भेज दिया और तुम देख सकते हो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है hints के साथ में है। एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा एक या दो क्वेश्चन के आंसर्स नहीं होंगे बस। जो डाउट्स सब भी रह जाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले प्रायोरिटी में डाउट्स लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट पे जाएंगे।
सेवन स्टूडेंट्स को डू दिस व्हाट कैन बी अ रीजन लाइक यू नो जिन लोगों ने कर लिया है वो बताओ मुझे क्या ऐसा रीजन हुआ होगा कि इतने कम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन हुआ होगा क्योंकि क्वेश्चन तो इजी है सर वो अंदर फर्स्ट राउंड आपने जो बोला ना वो पॉइंट पे है हां वो वाला पार्ट जो ना वो शायद दिक्कत कर रहा है हां यस सर मतलब ट्यूलेस होंगे अगर कुछ किया नहीं रहेगा तो समझ गया मैं एक मिनट हाँ गाइस तो ये एस तो सब लोगों को आ गया इंटीग्रेशन एस तो सब लोगों को आ गया इंटीग्रेशन एस इज नथिंग बट एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स फोर अप टू सो ऑन ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ये नहीं आया हो बस कॉन्स्टेंट हियर बोलो बच्चों इज देयर एनीवन हु हैव नॉट गॉट दिस वन हाँ यस सर ऑलराइट तो बच्चों ध्यान दो जब ये आ गया ना तो सब ध्यान दो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ वैसे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जीपी बन जाएगा लेकिन फिर भी इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स फोर इनफाइनाइट तक जा रहा है बच्चों बताओ बच्चों बस ये एक स्टेप है एक क्लिक किया और काम खत्म बताओ इन दोनों का एडिशन कितना होगा मतलब इन दोनों का 1 माइनस x स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस x 4 बराबर हां और फिर 1 माइनस x टू द पावर 8 तो x की पावर बढ़ती जा रही है ना x की पावर 8 आ रही है फिर 16 आएगी तो मुझे लगता है x की पावर ऐसी आएगी x की पावर ऐसी आएगी x रेस टू पावर 2 रेस टू पावर n ऐसे कुछ आ जाएगी हां हां यस सर हां अब mod x तो less than one है ना mod x तो less than one है ना yes sir oh zero और infinity तक जा रहा है तो zero ही हो जाएगा zero आ जाएगा ना zero आ जाएगा तो numerator में कितना बचेगा one ही बचेगा ना हाँ sir अरे one minus x square में x वाला top part तो गायब हो जाएगा end में जाकर की तो सिर्फ one ही बचेगा ना तो ये कितना बचेगा बताए ln one by one minus x that's it और ये कितना simple हो गया ln one minus x with negative sign ये integration ऐसा बच्चों इसमें सी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेट सिंपलीफाई डिफरेंशिएट तो डिफरेंशिएट करोगे तो सी गायब ऐसे हो जाएगा सी निकालने की जरूरत क्या है यस सर तो एस कितना आ गया बच्चों माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स इनटू माइनस वन भी आएगा ना वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव यस सर माइनस एस इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स बच्चों आ गया क्या हाँ पता है नेक्स्ट जो सीरीज में लिख रहा हूँ ना दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे As per our commitment, 1.5 hour lecture, but that will take time, 5 minutes लग जाएगा उसमें, right? बच्चों, next question जो मैं तुम लोगों को लिख रहा हूँ ना, ये question समझ में आ जाए ना, वो भी challenge है एक्चुअली, ठीक है ना? ये question, ध्यान दे दो, question number 3, summation r equal to 1 to n, limit n approaching towards infinity, 1 upon 3r plus 1 minus 1 upon 3r plus 2. ईमानदारी से बताओ तुम्हें पहला स्टेप क्या क्लिक कर रहा होगा इसमें अगर किया है तो अगर कर रहा है किसी को तो टेलीस्कोपिक यूज सब लोग टेलीस्कोपिक क्योंकि उसमें नजर आ रहा है कि 3r plus 1 3r plus 2 तो कुछ तो टेलीस्कोपिक बन ही जाएगा बच्चों बिल्कुल कोशिश मत करना टेलीस्कोपिक आज भी नहीं बनेगा आज से 10 दिन लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तब भी नहीं बनेगा ठीक है कुछ स्पेशल सा बनेगा और वो स्पेशल सा हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कोई स्मार्टली अगर जज कर पाए तो ही पॉसिबल हो पाएगा 2 मिनट का टाइम देंगे फिर पहली स्टेप बताता हूँ मैं क्या होगा इसमें इट्स न्यू एक्चुअली
किसी को नहीं ये मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी को क्लिक करेगा तो ऊपर करना, अभी वो मत करो। आयुष को पकड़ में आया क्या करना है? फाइनल आंसर नहीं था ना, क्लिक करना है ना बस। हाँ अच्छा एक बात बताओ, कितना इजी क्वेश्चन लगता है ये? अगर मैं x टू दी पावर n का इंटीग्रल करूं तो मुझे x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ऐसा कुछ आता है, बराबर ना? सर आप चार्ट देख सकते हो। हाँ सर। नहीं 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 वो नहीं, वो नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय n तुम जो बोल रहे हो ना वो नहीं है, इट विल नॉट हेल्प फॉर श्योर, है ना? अच्छा सब लोग ध्यान दो प्लीज, प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ अरे एक बात बताओ, कुछ क्वेश्चन में यार ऐसा तो होता ही है ना, मतलब ऐसा तो करना ही चाहिए ना, हमें आना ही चाहिए ना, हम लोग क्यों ऐसा बिहेवियर अपने लाइफ में रखते हैं कि कुछ भी इनोवेटिव करना है तो आईआईटी में जाने के बाद ही करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, तो फिर रैंक कैसे आएगा? आप मुझे बताओ, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 1/3x+1 किधर में लिखा हुआ है इस तरह से किसी जगह में, तुम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में कैसे उठा करके सीधा इसको उठा करके ऐसे लिख दिया था, बताओ? लिखा था ना जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, उसमें लिखा था ना, आइडिया रहता है। हाँ यार लिख सकते हैं। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ कि तुम इस क्वेश्चन में ये वाला चीज लिखने में हेजिटेंट हो, क्योंकि तुम्हें इससे पहले इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले नहीं, लेकिन अब से बाद में देखने को अगर मिलेंगे। मुझे ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे हैं आईटी में, मतलब सब्जेक्टिव जब होते थे तब पूछते थे, अभी ऑब्जेक्टिव में इन दिनों में नहीं पूछे हैं, 2006 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं है इस तरह का, बट स्टिल आई बिलीव इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और आने के लायक क्वेश्चन बनते हैं, सिलेबस में है। मुझे एक बात बताओ अच्छा, इसको ऐसे ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हम 1/3r+1 को मैं 0 to 1 में x^3r का इंटीग्रल क्यों नहीं लिख सकता? होता ही है ना, उतना दिमाग तो कोई लगाएगा तो लग ही जाएगा ना। ये बात अलग है कि अब से पहले इस तरह का कुछ काम किया नहीं है, बट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अभी आज समझ में आ जाएगा तो आगे के लिए हम लोग अलर्ट हो सकते हैं ना। अच्छा उससे ये सुनो, हाँ तो इसका इंटीग्रल कितना आएगा, x^3r+1/3r+1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बताओ 1/3r+1 आएगा कि नहीं आएगा? बच्चों सर एक बार एक्सप्लेन करूंगा, मैंने बोला कि 1/3r+1 को मैं x^3r का इंटीग्रल 0 to 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? सही है सर, हाँ सर लिख सकता हूँ। तो बताओ बच्चों फिर नेक्स्ट वाली टर्म को क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल 0 to 1 x^3 कितना 3r+1 लिख सकता हूँ, सही है सर? बताओ बच्चों, अरे बाबा इसको इंटीग्रेट किया x^3r+2/3r+2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बच्चों इन दोनों टर्म्स को जो मैंने यहां लिखा है ना, इसके बाहर समेशन ही तो है,
ठीक तो है क्वेश्चन, आर इक्वल टू वन टू एन, और जरा जरा यहाँ थोड़ा इधर एन टेंडिंग टू इंफिनिटी भी डाल दो, बराबर ना बच्चो? यस सर। अच्छा एक चीज तुम्हें पता है कि नहीं पता है कि समेशन और इंटीग्रल वाइस वर्सा होते हैं एन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी के लिए, तो ऐसा ही तो करते हो, अरे भाई ये लिया, ये डीएक्स लिया, ये डीएक्स लिया, और बच्चों ए टू बी में इस डीएक्स को अगर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करो तो ऐसी पैरेलल स्लाइड्स बनती चली जाएगी, तो एरिया पूरा दे देगी ना बच्चों, बोलो यही तो होता है, एरिया इसी तरह से तो निकालते हो बच्चों। एक बार मुझे बताओ बच्चों, ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, इस स्टेप के थ्रू नहीं, इंटीग्रेशन के डेफिनेशन के थ्रू कैन वी से कि हम समेशन और इंटीग्रेशन इन दोनों को फ्लिप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ये मैंने पॉइंट नंबर वन में तुम्हें बताया भी है अगर तुम्हें याद हो तो, एन और बताओ याद करो, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए हम लोग लिमिट और इंटीग्रेशन को स्विच करते थे कि नहीं करते थे बच्चों? करते थे ना, तो यहाँ पे समेशन और इंटीग्रल, समेशन और इंटीग्रल बच्चों इसको भी स्विच कर सकते हैं, और जब उसको स्विच करेंगे तो क्या आएगा पता है, ध्यान से देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन को बाहर ले रहे जीरो टू वन, समेशन को अंदर ले रहे, समेशन आर इक्वल टू वन टू एन, आर इक्वल टू वन टू एन, और लिमिट एन अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, थोड़ा साफ सा लिखूंगा, बड़ा लिखूंगा थोड़ा इसको, चलेगा ओके, आर इक्वल टू वन टू एन, और बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा तो मेरे को लिखना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि ब्रैकेट्स में लगाने हैं, तो इसको ऐसे लिखता हूँ, इंटीग्रल साइन और फिर लिमिट एन अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, समेशन आर इक्वल टू वन टू एन, राइट, इंटीग्रल जीरो टू वन लिख दिया बच्चों यहाँ पे, और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, बताओ समेशन और इंटीग्रल इंटरचेंज हो गया ना, देखो ब्रैकेट देखो ध्यान सर, इंटरचेंज हो गया ना, अब बच्चों अंदर जो आ रहा है ना उसको एक साथ लिखो, अंदर जो आ रहा है उसको एक साथ लिखो, x टू द पावर 3x 3r, x टू द पावर 3r माइनस x टू द पावर कितना 3r प्लस 3r प्लस है ना, और ये ब्रैकेट बच्चों क्लोज कर दो अभी, dx बच्चों समेशन और इंटीग्रल इंटरचेंज हो गए हैं, अब आप मुझे बताओ बच्चों ये वाला जो समेशन है, ये वाला समेशन जीपी नजर नहीं आ रहा तुम्हें, r इक्वल टू वन टू एन में जीपी नजर नहीं आ रहा, आई एम सॉरी आई नीड टू चेंज द क्वेश्चन, बच्चों ये r जीरो होना चाहिए यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज मारा यहाँ पे, ठीक है r जीरो से ले रहा हूँ मैं, अदरवाइज वो इंटीग्रल डिफिकल्ट बन जाएगा, और कुछ बड़ी बात नहीं होगी, डिफिकल्ट बन जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने में, थोड़ा एक आध दो स्टेप ज्यादा लगेंगे, वो मैं क्लियर कर दूंगा तुम्हें, जीरो से लिया आर जीरो से है। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये जीपी नजर नहीं आ रही तुम्हें पहली वाली टर्म? हाँ अच्छा इसमें एक्स किधर से इधर जा रहा है, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, ये डीएक्स लिखा हुआ, डीएक्स एक्स के लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही है बच्चों? जीरो टू वन, यानी इनफाइनाइट जीपी बनेगा, इनफाइनाइट जीपी बनेगा आर इक्वल टू जीरो टू एन एंड टेन, इनफाइनाइट जीपी, और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है बच्चों इसका? तो बताओ इसका जो समेशन आएगा बच्चों क्या लिख दूं मैं, इंटीग्रेशन जीरो टू वन, पहली टर्म क्या बनी, आर इक्वल टू जीरो लिखने में पहली टर्म क्या बन रही है बच्चों? वन ए अपॉन वन माइनस आर, सही है सुनो बच्चों, इसका 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 पहला टर्म क्या बन रहा है? एक्स अपॉन, इसका कॉमन रेशियो भी वही आएगा ना, एक्स क्यूब भी आएगा ना, हाँ सर, वन माइनस एक्स क्यूब बच्चों डीएक्स, और ये क्या बन रहा है तुम्हें, तुम लोगों को पता लगा कि नहीं लगा, वन माइनस एक्स तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स बच्चों, जीरो टू वन, इतना घटिया क्वेश्चन जिसको समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन की एक सिंपल स्टेप और क्वेश्चन का आंसर, बच्चों ये मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूं तुम लोग के लिए,
1 अपॉन 1 प्लस x प्लस x हां सर बस x परफेक्ट स्क्वायर करके हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बनके सॉल्व हो जाएगा हां इसका फाइनल आंसर जरूर मैं तुम लोगों को बता सकता हूं इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है दैट इज पाई अपॉन 3√3 एक मिनट मेरे को चेक कर लेने दो इसका फाइनल आंसर किसी ने निकाल दिया हो तो कोई अनाउंस भी कर सकता है वैसे हाँ इसका फाइनल आंसर ये तो आर बाई एन वाला सर बेटा एक मिनट आई टेक योर क्वेश्चन जस्ट गिव मी हाँ पाई बाई 3√3 आई वाज करेक्ट इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है ना दैट इज पाई बाई 3√3 बच्चों पता है क्या इस तरह के क्वेश्चन आई टेक योर क्वेश्चन वेट अ मिनट प्लीज बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस जो ना तुम चैलेंज नहीं कर सकते कि तुम्हें क्लिक करेंगे ठीक है मैं चैलेंज कर सकता हूं कि तुम्हें क्लिक करेंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चंस आगे से आगे जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती है ना उसमें मैं इनकॉर्पोरेट करता ही रहता हूं तुम लोग के लिए और फिर याद दिलाता हूं कि देखो मैंने बोला था मेरी तरफ से कि तुम्हें आ जाएंगे राइट दो तीन बार नहीं आएंगे बस फिर आइडिया आ जाएगा कि हर बार हम लोग से एक ही गलती होती है कि लीनियर इधर आता है लीनियर देखो लीनियर बच्चों लीनियर लीनियर इधर आता है उसका इंटीग्रल आराम से इधर लिख सकते हैं सीरीज समेशन और इंटीग्रल को इंटरचेंज करना इज अ फंडामेंटल चेंज करो सीरीज का समेशन पहले निकाल दो पहले समेशन निकाल के इंटीग्रल करो चाहे पहले इंटीग्रेट करके समेशन निकालो दोनों सेम ही है अगर ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे और ज्यादातर क्वेश्चन में बच्चों ये थियरी ज्यादातर क्वेश्चन कैसे मतलब सीरीज समेशन के देखो लेवल 1 2 3 बनाओ सीरीज समेशन में वो जो तुम्हें लेवल 1 2 3 मिलता है उसका बात नहीं कर रहा हूँ जे एडवांस का लेवल 1 2 3 बात कर रहा हूँ वो मेंस का लेवल 1 2 3 है जे एडवांस का लेवल 1 2 3 बात करोगे ना तो बच्चों लेवल 3 मतलब बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस अगर आएंगे ना बच्चों यहाँ से तुम इमेजिन नहीं कर सकते इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आईआईटी ने जब कभी एक पैराग्राफ में या फिर मैथ लिस्ट में इस तरह का क्वेश्चन घुसा दिया ना उसी ईयर में बैड बच जाएगी लोगों की मैं बोलता हूँ सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखो वन अपॉन लीनियर को भी आए तो इंटीग्रल में कन्वर्ट करके समेशन और इंटीग्रल को कन्वर्ट करने पे कुछ हो रहा है क्या एक बार चेक करके देख लो दैट टेक्स hardly some time हो जाता है क्वेश्चन राइट जो मैंने मतलब जितने सालों में भी एक क्वेश्चन कराया है मतलब इस जैसा क्वेश्चन या ये क्वेश्चंस कराए हैं उसमें मेरे को हर बार में एक कोई तो स्टूडेंट मिलता है जो एक ऑल्टरनेटिव उसका मुझे देके जाता है राइट इसका भी है राइट कुछ सीरीज समेशन बट आउट ऑफ सिलेबस इसका ऑल्टरनेटिव कुछ लोग दे पाते हैं राइट मैं बोलता हूँ कि तुम लोग जो है सिर्फ इतना भी ध्यान रखोगे ना कि डिनोमिनेटर में अगर लीनियर मिल रहा है तो उसको इंटीग्रेट करके समेशन और उसको इंटरचेंज करना है तो तुम्हारे लिए एक चांस बनता है कि इंटीग्रल का कोई टफ क्वेश्चन आ जाए और वो तुमसे जल्दी सॉल्व हो जाए एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन कुछ पूछ रहा था मैंने इंटरफेयर किया बीच में गो अहेड सर हम एन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्यों नहीं कर सकते थे इसको नहीं करके दिखाओ ना करके एक बार ग्रुप पे डालो ना प्लीज पाई बाई 3√3 आंसर तो मैंने बोल ही दिया ना आर यू गेटिंग दैट नो आई गेस चेक कर लो ना एक बार या तो मैं वो इंटीग्रल ही गलत लगा रहा हूँ शायद हो सकता है इट्स अ चांस तुम चेक कर लो एक बार कहीं गलती होगा तो देख लो सर बट आप एक बार लॉजिक में क्या फ्लॉ बोल सकते हो मैं अगर बोलूं तो लॉजिक चलो बोलो ठीक है गो अहेड सर एन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ठीक है और दोनों समेशंस को स्प्लिट कर दिया मतलब एक 1/3r+1 को एक बाजू रखा और माइनस 1/3 और पार्शियल फ्रैक्शन बना दिए हां और अब सर n n को मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा r / n n / 1/n का दिख रहा है क्या तू हां तो दिस बिकम्स अ फंक्शन ऑफ r / n और साथ में 1/n मल्टीप्लाइड है दोनों में तो इंडिविजुअली सॉल्व नहीं होगा ये तो जो 1/n बच रहा है उसका क्या करेगा सर 1/n तो साथ में मल्टीप्लाइड है ना दोनों के साथ सो इट्स लाइक अ फंक्शन इन r / n इनटू 1/n मिस्टेक फ्रॉम योर साइड सी व्हाट हैव यू डन सम एक्स्ट्रा टर्म यू हैव नॉट कंसीडर्ड पक्का गारंटी ठीक है
ओके वही गड़बड़ हुई है।